तो स्टूडेंट्स, कल जब हमने करा था अपना एलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया था, जिसके अंदर हमने क्या क्या कर लिया था, आपका एडिशन कर लिया था, ठीक है, और सब्सट्रैक्शन, दोनों तरीके के हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का जो आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए जो क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, वो बन जाएगा आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा, सिंप्लीफाई। और आपको ब्रैकेट में दो एक्सप्रेशन आपको एलजेब्रिक दे दिए गए हैं, अब आपको इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व किस टाइप से करोगे, देखो ब्रैकेट के बाहर आपको एक ऑपरेशन दे दिया, ऑपरेशन मतलब कोई साइन दे दिया, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें माइनस माइनस लिखा हुआ है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, फिर दूसरा ब्रैकेट है हमें टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला जो आपका ब्रैकेट है, इसके अंदर जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, चिन्ह जो होंगे, साइन जो होंगे, वो बदल जाएंगे। जैसे आपका टू ए स्क्वायर जो है प्लस का है, अगर हमने इसे हाइड करा तो क्या देखो, ये प्लस का है। अब जब ये माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। और जो प्लस का है, यानी बी स्क्वायर के आगे साइन कौन सा है, प्लस है, तो ये प्लस से ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर ये माइनस के होते तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो देखो ये ब्रैकेट के साइन जो है हम हटा देंगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस के टू ए स्क्वायर, और ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखो अब क्या करना है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर एक साइड लिख लेने और बी स्क्वायर यानी कि लाइक टर्म एक साथ ले लेंगे हम इस वजह से। तो लाइक टर्म में क्या हो गया हमारे, देखो बी ए स्क्वायर दोनों आ गए, तो हम क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस के टू ए स्क्वायर एक साथ लिख लिया इन दोनों को, और यहाँ से क्या लिख लिया हमने, माइनस के बी स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, देखो प्लस माइनस क्या होता है, वन जो है ये प्लस का है और ये जो टू ए स्क्वायर जो है ये क्या है, माइनस का है। तो एक ए स्क्वायर जो है वो आपका प्लस का है, उसमें से हमने क्या करा, माइनस के दो स्क्वायर गए हैं, यानी कि ए स्क्वायर को आप छोड़ो, यहां से क्या समझोगे, वन माइनस टू, किसी के आगे कोई और मल्टीपल नहीं होता, यानी कोएफिशिएंट नहीं होता, तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो इट मींस ये जो ए स्क्वायर जो है इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, वन ए स्क्वायर। तो देखो वन ए स्क्वायर में से टू ए स्क्वायर गए, यानी वन माइनस टू होगा तो क्या आएगा, वन आएगा। अच्छा अब एक बात हो, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, नहीं माइनस का आएगा। सबसे पहले सोचो, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है बेटा, माइनस होता है। और उसके साथ में भी क्या होना होता है, यहां से देखो जो भी आपका नंबर बड़ा होगा, वन से ग्रेटर नंबर है टू, बड़ा नंबर है, और इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो हमेशा ध्यान रखो माइनस आएगा। अगर प्लस का बड़ा होता तो ये प्लस का आता, एक में से यानी छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या जाती है तो चिन्ह हमेशा क्या आता है, माइनस का आता है। तो कितना हो गया, माइनस के वन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वन ए स्क्वायर, चाहो तो वन लगाओ ना लगाओ तो भी एक ही बात है। अब यहां पर आ जाइए, माइनस इन दोनों का तो सॉल्व कर लिया, अब ये देखो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन आता है माइनस का, तो माइनस के बी फिर से, यानी माइनस के बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के टू बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, चाहो तो यहां छोड़ दिया तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बट आपको क्या कर सकते हो, माइनस इसमें से कॉमन ले लो। जब माइनस इसमें से कॉमन ले लोगे तो देखो वन ए स्क्वायर या ए स्क्वायर एक ही बात है, जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टू बी स्क्वायर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, आप कहीं तक भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन एक्स प्लस सेवन, ठीक है। आगे क्या है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, और एक बीच में ऑपरेशन दे दिया है हमें। अब यहां से क्या है, टू प्लस एक्स माइनस टू वाई, एक्स प्लस सेवन ब्रैकेट क्लोज माइनस के वन अपॉन टू, टू प्लस एक्स माइनस के टू वाई। अब हमें क्या करना है, इससे तो हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसे बिल्कुल ऐसे लिख लो एक्स प्लस सेवन। अब आगे क्या करना है हमें, ध्यान रखना माइनस, माइनस ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई करेगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके साथ और क्या करना है, देखो तो अब क्या है, वन अपॉन टू भी, तो वन अपॉन टू की सारे में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस के वन अपॉन टू इन टू, फर्स्ट इसमें करते हैं टू, हो गया मल्टीप्लाई। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके करा रहा हूं जिससे
वैसे तो छोटा हो जाएगा, बड़ा जरूर क्वेश्चन हो जाएगा, पर एक एक स्टेप समझाऊंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के वन अपॉइंट टू हो गए। अब ये प्लस था, ध्यान रखो इस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी, माइनस हो जाएगा। अब माइनस के वन अपॉइंट टू ने ये माइनस तो बना दिया, अब ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का तो हमने लगा दिया वन अपॉइंट टू इंटू एक्स, एक्स में भी मल्टीप्लाई होगी। अब ये माइनस है, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो जाएगा वन अपॉइंट टू इंटू टू वाई, क्योंकि हर एक एलिमेंट में ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होती है उसकी सभी के अंदर मल्टीप्लाई इंडिविजुअली अलग अलग होती है, ठीक है। अब यहां से आप ध्यान दो, देखो टू से टू कैंसिल, यहां तो कहीं टू नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, बट यहां से ये टू कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, दिखाई दे रहा है सबको। अब क्या मिल गया हमें यहां से देखो, एक्स प्लस सेवन। अब यहां से देखो, यहां से कुछ नहीं बचा, ये कैंसिल हो गया, माइनस के वन है तो माइनस के वन हो गए। यहां से क्या हो गया, माइनस के वन वन अपॉइंट टू कर दो या एक्स अपॉइंट टू कर दो, बात एक है, क्योंकि वन की मल्टीप्लाई एक्स में हो जाएगी तो वन एक्स ही बन जाएगा। अब यहां से देखो, टू से टू कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, प्लस के वाई, ठीक है। अब एक, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब हम एक चीज कर सकते हैं, एक्स एक्स जैसा कि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, एक्स एक्स को एक तरफ ले, जैसे यहां पर ए ए को ले लिया था, बी को हमने एक तरफ ले लिया, ऐसे ही एक्स एक्स को एक तरफ ले लो और वाई अगर कहीं और भी हो उसे एक साथ ले लो, और जो भी हमारा कोफिशियंट यानी जो भी कोई नंबर है उसे अलग ले लो। तो यहां से क्या हो गया हमारा, एक्स ये था प्लस का, इसके साथ क्या है, माइनस के एक्स अपॉन टू, इन दोनों को हमने ले लिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या लेंगे हम, वाई लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे दूसरा, वाई हो गया। इसके बाद क्या है हम पे, सेवन माइनस वन, यहीं पे कैलकुलेशन कर लें, सेवन माइनस वन इक्वल टू सिक्स हो जाएगा ना, प्लस का आएगा। अब देखो बस यहां पर क्या है, ये ऑपरेशन और हो रहा है हमारा, एक्स माइनस एक्स अपॉन टू, इसे मैं अलग सॉल्व कर लेता हूं, इसकी कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स अपॉन टू, नीचे वन लगा लो, टू मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो गया, टू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, और एक्स ही वन में मल्टीप्लाई हुई तो कितना हो गया एक्स, टू एक्स में से एक एक्स गए तो कितने बचे, एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू आया ना, तो इस पूरे की जगह पे प्लेस कर सकते हैं हम एक्स अपॉन टू नोट कर देते हैं, एक्स अपॉन टू, इसके बाद क्या है, प्लस के वाई, और उसके बाद क्या है, प्लस के सिक्स। तो आपका आंसर क्या हो गया, एक्स अपॉन टू प्लस वाई प्लस के सिक्स, समझ आ गया, हो गया। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपना मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो हमारे एडिशन हो गए, सब्सट्रैक्शन हमारे हो गए, जो बेसिक से ऑपरेशन थे वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे वैसे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट कर रहे हैं, पहले समझो मल्टीप्लीकेशन को। मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या करते हैं, अगर हम जैसे हम अपने नंबर वाले अगर मल्टीप्लाई करते हैं, टू इंटू थ्री इक्वल टू क्या हो जाता है, सिक्स, ये तो हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन, टू इंटू थ्री। अगर आपके सामने कोई कोफिशियंट दे रखा है या नंबर दे रखा है तो मल्टीप्लाई करके उसका तो बिल्कुल सेम वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। अगर हमारे पास हमें वेरिएबल दे दिया जैसे टू एक्स इंटू थ्री एक्स, अब क्या हो जाएगा, थ्री इंटू टू इज इक्वल टू तो हो गया सिक्स। एक्स की जब एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर एड हो जाती है। तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, पावर क्या हो जाती है, वह एड हो जाती है। एड होने में क्या हो जाएगा, अगर यहां पर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स वन पावर, ठीक है, दोनों ये पावर कितनी हो जाएंगी, वन वन पावर हो गई। तो एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन, इट मीन्स एक्स की पावर टू क्या हो जाएगा, देखो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी एक बार लिख लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, वन प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर टू, समझ आ रहा। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, थ्री टू जा सिक्स और एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर टू, समझ आ गया। पर ये ध्यान रखना, ये सेम जो पावर होती है, जैसे x की बात कर रहे हैं तो x की जो भी कैलकुलेशन होगी वो x के साथ ही होगी, x की कैलकुलेशन y के साथ नहीं होगी, समझ रहे हो, x की कैलकुलेशन x के साथ, y के साथ, z के साथ, a की a के साथ, b की b के साथ, ठीक है ना, इसी तरीके से करेंगे। अब हमारे पास में देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, मल्टीप्लीकेशन करना है, या ये आपसे मैंने आपको पहले बताया, प्रोडक्ट करके भी दिया जा सकता है कि फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई निकालना है। तो देखिए, थ्री टू जा सिक्स, एक्स स्क्वायर है और यहां पे क्या है, वन, कुछ नहीं है तो क्या है, वन होगा। तो क्या हो जाएगा, अलग से सॉल्व करके बताऊं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वन,
क्योंकि दोनों में x था तो एक ही बार लिख लिया, तो x की पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 6x³ या 6x³, सेम थिंग। आ गया समझ में, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या है 18p³, यहां से देखो माइनस के 18p³ इंटू क्या है 2p², ध्यान दीजिए p क्या है स्क्वायर, अच्छा माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस के 18 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 18 × 2 = 36, ध्यान रखो माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस के 36। अब देखो p पे कितनी पावर है 3 और p पे पावर कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 = 5, पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो वो किसकी हो जाएगी p की पावर 5 हो गया। ठीक है समझ आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, फाइंड द प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट हमें निकालना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है आगे हम इन्हें सॉल्व करते हैं, देखो रब कर दो, चलो एक काम करो अभी हमारे पास जगह है सॉल्व कर लेते हैं हम इतने में, ठीक है ना। सेकंड में क्या हो जाएगा माइनस के 2ab, प्रोडक्ट के लिए बोल रहा है कोई साइन नहीं दे रखा, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं 3ab² इंटू माइनस के 4a² bc। ठीक है सबसे पहले क्या करोगे, जो भी आपको नंबर दे रखा है सिर्फ उसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो 4 × 3 × 2, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, तो क्या करते हो 24 कर दिया, कर दिया। अब देखो यहां पे माइनस है, माइनस यहां पे भी है, माइनस की जब माइनस के नंबर में मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है वो प्लस हो जाता है, तो इसलिए क्या हो गया 24 प्लस के हो गए, प्लस के लिए हमें साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, स्पेशली हमें इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये तो बन गया हमारा 24। अब बात करते हैं हमारे ये जो है आपके ए है, ए है, ए है, ध्यान दो ए की पावर कुछ नहीं है तो 1, यहां पर भी कुछ नहीं है तो 1, यहां पर ए की पावर 2, तो ए की पावर 2 और 1, ए की पावर 3 और फिर से 1, ए की पावर 4, कितना हो गया ए की पावर 4। बी की बात करें, बी यहां पे कुछ नहीं है तो बी की पावर 1 है, बी की पावर 1 और यहां पे कितनी पावर है 2 और यहां पे कितनी है 1, तो बी की पावर भी सारी ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी बी की पावर 4। अब सी की बात करें, देखो सी यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, थर्ड के अंदर दे रखा हमें सी, सी पे पावर क्या है 1 और कहीं तो सी कुछ नहीं है, तो कितनी भी मल्टीप्लाई करो पावर तो कोई चेंज होनी नहीं है, तो कितनी हो जाएगी पावर 1। 1 को हम स्पेशल डिनोट नहीं करेंगे, सिंपल सी ही लिख देते हैं, 1 नहीं लगाया तो भी इसका मतलब क्या है 1 है। तो आपका प्रोडक्ट कितना आ गया 24 ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी हो गया, समझ आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमें 2xy², प्रोडक्ट करना है, हम सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के 3xy² z² और 6x² yz। अब समझ में आ गया होगा फॉर्मेट, 6 की मल्टीप्लाई क्या हुई 3, 6 की मल्टीप्लाई हुई 3 में 18 × 2 = कितना हो गया 36, देखो माइनस है और अब सारे प्लस में, तो आंसर क्या आएगा हमारा माइनस, माइनस के 36, x की पावर 1 x की पावर 2, 2 1 3 and 1 4, x की पावर कितने हो गए 4, ठीक है, y की पावर 2 और y की पावर 1, 2 and 2 4 and 1 5, y की पावर कितनी हो गई 5, z पे आ जाओ z की पावर 2 और z की पावर 1, दोनों ऐड हो गए कितने हो गए z की पावर 3, आंसर क्या हो गया 36 x की पावर 4 y की पावर 5 z की पावर 3। ठीक है आपका इस एक्सरसाइज के अंदर यही क्वेश्चन दे रखे थे, मल्टीप्लाई के आपके क्वेश्चन जो है लगभग बेसिक जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हम सॉल्व करते हैं और आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, हमें ब्रैकेट में दे दिया जाएगा कुछ एक्सप्रेशन, दे दिए जाएंगे एलजेब्रिक और हमें उनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो उसे किस टाइप से करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या है हम पे, देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, 3x³ = 4x + 5y का, जरा क्वेश्चन में देखना होल स्क्वायर है, ब्रैकेट के बाहर है स्क्वायर, क्वेश्चन में देखिए जरा अंदर है,
अच्छा, यानी स्क्वायर यहाँ है हमारा और ब्रैकेट इसके बाहर है, ऐसे ही है ना। चलो ठीक है, दोनों ही चीज़ों का बेटा मीनिंग बदल जाता है, इसलिए चेक कराना पड़ा। अब देखिए करना क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है तो ध्यान रखो ये जो प्रोडक्ट है इसका इंडिविजुअली सभी के अंदर मल्टीप्लाई होगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं सभी के अंदर मल्टीप्लाई होता है, जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है। तो इट मीन्स 3x की क्यूब इंटू क्या हो गया 4x, फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा वो लगाएंगे, यानी प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर से 3x की क्यूब और क्या हो जाएगा इंटू 5y स्क्वायर। ठीक है, अब 3 4 जा कितना हो गया 12, x की क्यूब और x की पावर 1 कितना हो गया x की पावर 4 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 3 5 जा कितना हो गया 15, x की क्यूब और y स्क्वायर। देखो y है यहाँ पर, ये x नहीं है, अगर x स्क्वायर होता या x की पावर 2 होता तो x के अंदर ऐड हो जाता, बट यहाँ क्या है डिफरेंट वेरिएबल है, y है स्क्वायर है तो ऐड नहीं होगा, ऐसे ही नोट कर देंगे x की क्यूब और y स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, अभी नोट मत करो, अभी मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये 8a स्क्वायर ब्रैकेट में 2a स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है, वही होगा आपका, अंदर मल्टीप्लाई करो 8a स्क्वायर इंटू कितना हो गया 2a स्क्वायर। जब तक आप लोगों को प्रैक्टिस ना हो एक साथ क्वेश्चन नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप ही करना है। माइनस फिर से 8a स्क्वायर और माइनस सॉरी मल्टीप्लाई है क्या हो गया 4, ये माइनस है, ये वाला साइन यहाँ पे आ गया। 8 2 जा कितना हो गया 16, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया a की पावर 4, माइनस ये कितना हो गया 8 4 जा 32, 32 ए स्क्वायर, 16 ए की पावर 4 माइनस कितना हो गया 32, 8 4 जा कितना 32 ए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक भी अगर आपने सॉल्व कर दिया आपका आंसर ठीक है, और आगे सॉल्व करना चाहते हो दोनों में से अब क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं इन दोनों में से बेटा कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब समझो आगे के क्वेश्चन में आपको काम आएगा, कॉमन का मतलब है जो यहां पे भी है और यहां पे भी है, क्या कॉमन है, ए कॉमन है, बिल्कुल ठीक है, और कुछ देखो अब बताते हैं क्या कॉमन है, यहां नोट कर लेता हूं 16 को हम क्या कर सकते हैं 16 ए की पावर 4 है, ध्यान रखो जो सबसे लीस्ट नंबर या लीस्ट क्वांटिटी होती है वही कॉमन आती है, यानी जो सबसे छोटा होगा, 16 लिख लिया, अब यहां क्या है ए स्क्वायर, मैं इसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, भाई पावर ऐड हो जाएगी ए की पावर 4 हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा लो, 32 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर चाहो मल्टीप्लाई लगा लो। अब इनमें से कॉमन क्या है, कॉमन मीन्स जो इधर भी है और इधर भी है, 16 है ब्रैकेट के बाहर ले लिया, और क्या है ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ले लिया, अब जो रिमेनिंग रह गया उसे ब्रैकेट के अंदर सेव कर लो, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा देखो 16 ए स्क्वायर हमने निकाल लिया, यहां से क्या बचा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख लिया, माइनस है माइनस लगा लो, अब देखो 16 बाहर आ गया ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 2, सॉल्व हो गया, ये भी आंसर है ये भी आंसर है, इससे थोड़ा आगे स्टेप सॉल्व कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए हैं, अब हम करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दो, अभी डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है तो उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई करना है हमें इन्हें, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस के 4s x ब्रैकेट में माइनस 1 और प्लस के x ब्रैकेट में 4 प्लस के 5x। ठीक है, तुम भी समझ लो, तुम्हारे ठीक है। अच्छा अब क्या हो जाएगा इसके साथ में, सबसे पहले क्या करना है, मैं सबसे पहले करना है बेटा जो ब्रैकेट के बाहर है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x की x में मल्टीप्लाई हुई 4x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4x की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ दूसरे ब्रैकेट पे आ जाओ,
एक्स की 4 में मल्टीप्लाई हुई 4x प्लस है, प्लस लगा दो, एक्स की 5 में मल्टीप्लाई हुई 5x स्क्वायर। अब क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के साथ में कैलकुलेशन करेंगे, 6x स्क्वायर है इसकी, इसके एक्स स्क्वायर हो गया और ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। हमें क्या करना है, एक्स एक्स एक तरफ ले लो और जो भी कुछ है उसे एक साइड ले लो। तो हमारे पास में दो तरीके के ऑपरेशन है, 6x स्क्वायर। अब देखो इन्हें अलग कैलकुलेट करते हैं, 6x स्क्वायर पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 6x स्क्वायर और 5x स्क्वायर कितने हो गए, 6 and 5 11। 11x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस हो गए, 11 minus 4 = 7, 7 आया ना, ऐसे कर लो। या क्या करोगे, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए, 2x स्क्वायर बचे, तो 2x स्क्वायर और 5x स्क्वायर 7x स्क्वायर, ऐसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो क्या आ गया, 7x स्क्वायर। अब देखो 4x कितने हो गए, दोनों ऐड हो गए तो कितने हो गए, 8x, सॉल्व हो गया। चाहो तो इन दोनों में से x कॉमन ले लेना, तो नेक्स्ट उसमें क्या हो जाए, x अगर आपने कॉमन ले लिया तो 7x प्लस 8 हो जाएगा, तो भी ठीक है, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, अब कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर ये है, अब हम जरा इसे भी सॉल्व कर लें, दिखाई दे रहा। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, अब हमारे पास है 3/4 p/q, ब्रैकेट में है पी स्क्वायर माइनस के 1/2 q² और प्लस के 4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगी तो समझ रहे हो, इस पूरे की मल्टीप्लाई सारे में होगी अलग अलग, एक एक करके सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/4 pq की q² में हुई, तो ध्यान दो यहाँ पे बाकी सब तो सेम रहेगा, p है, p की पावर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 + 1 = p³ हो जाएगा, 2 + 1 = क्या हो जाएगा, p³, तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 p पे ध्यान दें तो p^1 और 2 कितने जाएगी, p³। अब देखो q तो अंदर यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट में है नहीं, तो q ऐसे ही रह जाएगा, अभी सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई है, फिर क्या है, माइनस है, माइनस लगा दो माइनस, अब क्या हो जाएगा, 3/4 × 1/2 भाई, नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई होगी तो 3/4 × 1/2, तो डायरेक्ट कर दूं, 3 1 = 4 2 = 8, ठीक है। अब देखो p है यहां पर 1 है, यहां पर क्या है, p है ही नहीं, तो जितना p है उतना ही आएगा मल्टीप्लाई होके, ऐड तो होगा नहीं इसके अंदर कुछ भी, तो क्या हो जाएगा p, बट यहां से ध्यान दो q है, यहां पर q कुछ नहीं है तो q 1 है और यहां पर क्या है, q का स्क्वायर है, इट मींस पावर 2 है, तो q की q में पावर की कैलकुलेशन होगी, 2 + 1 = 3, तो q की पावर क्या हो जाएगी, 3 भाई, 2 पावर और क्यू की 1 पावर 3 प्लस 3/4 × 4, सिर्फ 4 है ना, तो देखो 3/4 × 4 हो गया और p और q, तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या रह जाएगा, 3 q p, बाकी सब ऐसे सेम रहने दो, 3/4 p³³ माइनस 3/8 p³³ प्लस के 3 pq, समझ आ गया, बस क्योंकि 3 से 4 तो कैलकुलेशन हो गई, तो इसे ऐसे ही रहने दो, पॉइंट ऑफ डेसिमल में नहीं निकालना है हमें, ऐसे ही 3/8 को भी ऐसे रहने दो, बाकी का सब सेम हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी पूरा हो गया, अब इसके बाद में आपको सिंप्लीफाई द इसे और सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, नोट कर लो। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम, स्टूडेंट स्टेटमेंट को पढ़िए सबसे पहले, उसे समझना है, फाइंड द सम यानी सम करना है हमें, इनका एडिशन करना है, फर्स्ट आपको एक दे दिया, दूसरा आपको दे दिया और तीसरा आपको दे दिया, इन तीनों का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 2a ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस लगा दो क्योंकि उसने हमें स्टेटमेंट में क्या बोला, जोड़ना है, फिर क्या हो गया आपका, फिर हो गया 2b² बी माइनस ए 12b² - b², ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले ऑपरेशन में आप ध्यान रखो, प्लस से पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस से पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, बोर्ड मास भी तुमने पढ़ा होगा बिल्कुल उसी तरीके से, पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2a की a में मल्टीप्लाई होगी 2a की क्यूब, बताने की जरूरत नहीं है ना कि पावर 3 कैसे होगी, पता है ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होगी, प्लस कितना हो गया 2a b² यहां क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये a था, a की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, ऐड नहीं होगा, a b के अंदर ऐड नहीं होगा, तो कितना हो गया 2a और b स्क्वायर, प्लस ऐसे यहां पे आ जाओ 2 b² है और यहां पे b है तो b की पावर
3 हो जाएगी, b का क्यूब हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएंगे 2b स्क्वायर a प्लस 12 b और a है, b a स्क्वायर लिख सकते हैं, b a स्क्वायर लिख सकते हैं, पर एक चीज का ध्यान रखो, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं a पहले, गलत नहीं है, b स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, पर अगर हम बोलें तो पहले a आता है ना, उसके बाद ही b आता है ना, तो अच्छा ये रहेगा कि हम a को पहले लिखें, b को उसके बाद लिखें, तो इसे b स्क्वायर है ना, लिखना बिल्कुल इसी तरीके से, a सिंगल था तो a सिंगल आएगा, b स्क्वायर है b स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इसे हम लिख सकते हैं 2ab स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, पहले a आता है उसके बाद b आता है फिर c आता है, थोड़ा पैटर्न में। इसी तरीके से a12ab स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर है a स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा दो, 12b और b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b की क्यूब, कितना हो जाएगा 12b की क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब क्वेश्चन में आप देखो करना क्या है, जो बिल्कुल इक्वल पावर और उनके हों तो उनकी तो कैलकुलेशन हो जाएगी, वरना बाकी जो बचे होंगे उनकी कैलकुलेशन नहीं होगी। देखो a की क्यूब और कहीं है, सिंगल होना चाहिए a की क्यूब, और कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी a के साथ में और कुछ नहीं है, a की क्यूब है और कुछ नहीं है ना, तो a की क्यूब कर दो, 2 a की क्यूब, कोई कैलकुलेशन नहीं है। a b स्क्वायर, देखो a b स्क्वायर कहीं और है, a b स्क्वायर एक यहां है, यहां पे ध्यान रखो a स्क्वायर भी है, बट हमें क्या चाहिए, a b स्क्वायर, a सिंगल होना चाहिए, और देखो दोनों ही कोइंसिडेंस, देखो 2 a स्क्वायर भी है, 2 a b स्क्वायर, सॉरी 2 a b स्क्वायर और 2 a b स्क्वायर, दो ये प्लस के हैं a b स्क्वायर और ये माइनस के हैं, चाहो तो कैंसिल कर दो, वरना दो में से दो गए तो कितने बचे, जीरो बचे। हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर दो चाहे ऐसे कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, 2b की क्यूब, क्या रहेगा 2b की क्यूब, और 2b की क्यूब हमारे पास 12b की क्यूब एक और भी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट उसमें करेंगे, अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, प्लस के 2b की क्यूब नोट हो गया, यहां क्या हो गया a स्क्वायर भी, और कहीं है a स्क्वायर भी, कहीं नहीं है, प्लस के क्या कर दिया 12a स्क्वायर भी, और यहां से क्या हो गया माइनस के 12b की क्यूब, समझ आया यहां तक। अब देखो एक सेम चीज हम पे दो जगह है, b की क्यूब, इन दोनों की भी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्या करेंगे 2a की क्यूब ये हो गया प्लस, अब यहां से देखो 2b की क्यूब माइनस कितने हो गए 12b की क्यूब, अभी मैंने बताया था प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस के 12b में से प्लस के जब जाएंगे तो माइनस का साइन बड़ा है, तो क्या बचेगा 12 माइनस 2 इक्वल टू 10, 10 क्या आएगा माइनस का आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 10b की क्यूब, और इसके बाद क्या रहेगा, ये रहेगा 12a स्क्वायर b स्क्वायर, समझ आया। तो आपका प्रोडक्ट क्या आ गया आपके क्वेश्चन का, ये आया, ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।